देखिए बच्चों, एल्कोहल फिनॉल इथर का अगला क्वेश्चन, निम्न से कैसे बनाओगे, निम्न से कैसे बनाओगे, जैसे मावे से मिठाई, दूध से चाय, मावे से मिठाई और दूध से चाय कैसे बनाओगे। ठीक है, अगर मावे से मिठाई बनाने को बोले तो मावा लेंगे, उसको एक कढ़ाई में रख करके हम उसमें शक्कर वगैरह मिलाएंगे, उससे क्या बना लेंगे, मिठाई के पीस बना करके उसको कट कर लेंगे और खा लेंगे, खिला देंगे। अब दूध से चाय कैसे बनाएंगे, हमें पता है हमारे पास दूध है, दूध को हम एक तपेली के अंदर लेंगे, उसके अंदर शक्कर डालेंगे, चाय की पत्ती डालेंगे और इलायची अदरक जो भी डालना है डाल करके चाय बना लेंगे या पी लेंगे। ठीक है, ऐसे ही फिनॉल से बनाना बिक्री का, तो मैंने आपको बताया कि मावे से मिठाई, इसका मतलब हमें पता है कि मावा है यानी फिनॉल, ठीक है, उससे बनाना मिठाई, इसका मतलब बिक्री का अम्ल। अगर हमें फिनॉल का सूत्र याद है, बिक्री का अम्ल का सूत्र याद है, तो हम बना सकते हैं। हमें पता है कि ये मावा है और मिठाई बनाना है, तो हम उसकी तरफ चलेंगे, उसके अंदर क्या डालना है वो हम डालेंगे, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि किससे क्या बनाना है, तो फिर मुश्किल है। इसलिए इसके अंदर जो जो वैल्यूज है, जैसे फिनॉल, पिक्रिक अम्ल, फिनॉल से बेंजीन, फिनॉल से आर्थोक्रिसोल, फिनॉल से पेराक्रिसोल, फिनॉल से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल और फिनॉल से आर्थो पेराक्रिसोल, तो हमें इनके फॉर्मूले याद होना चाहिए। तो सभी को बनाना फिनॉल से ही है, तो हम समझते हैं ना, पहला तो हमें फिनॉल का सूत्र तो याद होना ही चाहिए। तो ये हो गया एक बेंजीन रिंग के साथ कौन OH बन गया फिनॉल। ठीक है, अब इससे हमें क्या बनाना है, फिनॉल से हमें क्या बनाना है, तो फिनॉल से हम बनाएंगे पिक्रिक अम्ल या फिर 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इसका भी ही नाम है, तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, तो ये बन गया बेंजीन रिंग, ये बन रहा है बेंजीन रिंग। ठीक है, तो ये फिनॉल से फिनॉल हो गया, अब यहाँ पर 2,4,6 तो नंबरिंग यहाँ से चालू होती है ना, 1,2,3,4,5,6 ऐसे नंबरिंग चालू होती है। तो यहां पर हमने क्या ले लिया, NO2, फिर ये 2 नंबर पे हो गया, 1,2,3 और 4 चौथे नंबर पर ले लो NO2, फिर छठे नंबर पर ले लो NO2, तो बन गया 2,4,6 ट्राई, क्योंकि 3 है तो ट्राई नाइट्रो NO2 और OH के लिए फिनॉल। अब NO2 हमें चाहिए, तो हम सोच रहे NO2 चाहिए, इधर भी तो NO2 होना चाहिए, इधर तो है ही, तो हम इसकी क्रिया किससे करवा देंगे, HONO2 से यानी HNO3 से, तो HNO3 HNO3 इन दोनों को अलग अलग करते हैं, ये जो NO2 है ये तीनों जगह आ गए, अब कितने NO2 आ गए, 3, अब 3 NO2 आ गए तो 3 का गुणा कर दो, 3 NO2 हो गए। अब समझना, यहां पर बचा आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन बचता है तो क्रिया करके क्या बनाता है, तो हमेशा ये जल बनाता है H2O। ठीक है, अब कितने ऑक्सीजन थे इधर, 3, इधर ऑक्सीजन तो अकेला दिख रहा है, 3 से गुणा कर दो, अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 3×6 हो गए, तो ध्यान दो यहां पर कितना हाइड्रोजन, 3, जब ये NO2 यहां जुड़ा तो यहां से भी तो एक एक हाइड्रोजन हटा, तो 3 तो ये और 3 यहां से हटे, कितने हो गए, 6, तो यहां पर 6 हाइड्रोजन, तो यहां देखो 6 हाइड्रोजन, परफेक्ट। ठीक है, अब हम बनाते हैं फिनॉल से बेंजीन, ये बैंड बाजे बज रहे हैं थोड़े शादी के ब्याह के हिसाब से, तो फिनॉल से बेंजीन बनाते हैं बैंड बाजे के साथ, यहां पर ये फिनॉल, अरे यहां पे ऐसा बना दे, यहां पे ऐसा, ये भी फिनॉल है, ये भी फिनॉल है, दो इसलिए बना रहा हूं कि कभी ये भी लिखा हुआ है एग्जाम में तो कंफ्यूज ना होना, ये भी फिनॉल है, ये भी फिनॉल है। ठीक है, अब इससे हमें क्या बनाना है, बेंजीन, इसका मतलब हमें इस तरह से बेंजीन ही बनाना है, तो हमने फिनॉल से बना दिया बेंजीन। अब हमें पता था कि मावे से बनाने की मिठाई, तो हमें मावा पता था, मिठाई पता थी, तो मावे से मिठाई बना दी, क्या क्या मिलाना चाहिए मिठाई के अंदर, तो इसे बेंजीन से फिनॉल बनाने के लिए क्या क्या मिलाना चाहिए, तो हमें यहां से ऑक्सीजन को पहले तो हटाना है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को हटाना है तो किससे क्रिया करवाएं, तो हम जिंक से क्रिया करवाएंगे, जिंक से क्रिया करवाएंगे इसकी। ठीक है, ZnO बन जाएगा यहां से क्रिया कराने पर, ये बन जाएगा ZnO। अब यहां उपस्थित इस पर क्या करना है, जिंक चूर्ण के साथ इसको गर्म करना है, यहां पर भी HNO3 तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति हमें लेना पड़ेगी। ठीक है,
फिर हम बनाते हैं तो अब बन गया फिनॉल से बेंजीन, तो फिनॉल से बना लिया बेंजीन। अब बनाएंगे फिनॉल से आर्थोक्रिसोल, आर्थोक्रिसोल तो ये फिनॉल, ठीक है ये देखो फिनॉल, इससे क्या बनाना है आर्थोक्रिसोल। तो पहले क्रिसोल क्या है, तो जो बेंजीन रिंग होती है ना फिनॉल वाली रिंग, उसमें आर्थो, तो ये होता है आर्थो पेरा मेटा, दो नंबर पे आर्थो, चार पर पेरा, छह पर मेटा, आर्थो पेरा मेटा, तो आर्थो पर क्या है CH3 होना चाहिए, इसको बोलते हैं आर्थो क्रिसोल। बेंजीन सॉरी फिनॉल से आर्थो क्रिसोल, फिनॉल से आर्थो क्रिसोल, दूध से चाहिए, दूध से चाहिए क्या मिलाना पड़ेगा, तो CH3 इसमें चाहिए, तो CH3 चाहिए तो हम CH3Cl ले लेंगे, ठीक है। और यहां किसकी उपस्थिति ले लेंगे, तो ये फ्रिडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया है, तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो CH3 था ये यहां बैठ गया, जब ये यहां बैठा तो यहां से किसको भगाया, यहां से हाइड्रोजन को भगाया, चार लेकर, तो यहां से हाइड्रोजन को भगाया, किससे क्रिया करेगा वो हाइड्रोजन, क्लोरीन से, क्या बना लेगा HCl, तो ये बना फिनॉल से आर्थो क्रिसोल। ऐसा कैसा हम फिनॉल से पेरा क्रिसोल भी तो बना सकते हैं, आर्थो मतलब यहां पे लेना है, पेरा मतलब यहां पर लेना है, तो ये सी की ऐसी अभिक्रिया यहां पे होगी, बस ये CH3 इस जगह होगा, बनाते हैं तो ये देखो फिनॉल, ये बन गया फिनॉल, इससे बनाना हमें पेरा क्रिसोल, तो ये बन गया पेरा क्रिसोल, फिनॉल से पेरा क्रिसोल, दूध से बन गई चाय, अब इस चाय के अंदर चाय की पत्ती चाहिए CH3, तो CH3 इधर ले लो, तो CH3 ऐसे तो आएगा नहीं, उसकी पन्नी वगैरह भी तो आएगी, तो CH3 के साथ Cl आ गया, तब यहां पर H जो था वो किससे क्रिया करेगा Cl से, क्या बना लेगा HCl, तो हमने बना लिया फिनॉल से पेरा क्रिसोल। अब ये बोल रहे हैं फिनॉल से आर्थो और पेरा दोनों, आर्थो पेरा दोनों क्रिसोल बनाना है, तो कोई डरने की जरूरत नहीं, वो के वही लेना है, मतलब यहां बोला था कि एक कप चाय बनाना है, यहां बोल रहे हैं कि दो कप चाय बनाना है, अरे दो कप बना देंगे, आप बोलो तो 10 कप बना दें, आप बोलो तो सही, ठीक है। किसकी उपस्थिति, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हमने अभिक्रिया करवाई, ठीक है। अब इसकी भी ऐसे ही करवाएंगे, किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3, पहले तो आर्थो और पेरा क्रिसोल बनाते हैं, ये देखो ये बेंजीन रिंग, इसके आर्थो क्रिसोल, फिर बेंजीन रिंग और पेरा क्रिसोल, आर्थो क्रिसोल पेरा क्रिसोल, मतलब दो बेंजीन रिंग, इधर तो एक ही है, दो से गुणा कर दो, एक कप दूध डाला था, दो कप दूध डाला, दो कप चाय बन जाएगी, दोनों में CH3, तब एक चम्मच चाय की पत्ती डाली थी, दो चम्मच चाय की पत्ती डाली, 2CH3Cl, ठीक है। तो ये पन्निया भी तो बन गई दो, तो दो Cl बचे यहां पर, और दोनों जगह से एक एक हाइड्रोजन को हटाया था, तो हाइड्रोजन जब हटा तो उसने क्रिया कर ली Cl से, और कितना बना लिया 2HCl, क्योंकि यहां पर Cl भी दो है और दो जगह से हाइड्रोजन हटा। अब अगर इसके अंदर आर्थो पेरा मेटा बोल दे, तो आर्थो भी बोल दिया, पेरा भी बोल दे, मेटा भी बोल दे, तो यहां पर 3 का गुणा करो, यहां पर 3 का गुणा करो, आर्थो बनाओ, पेरा बनाओ, मेटा बनाओ, या 3 से गुणा करो, ठीक है। तो ये बन जाएगा आर्थो पेरा क्रिसोल। अब फिनॉल से बनाना है हमें, देखो काई से बनाना है फिनॉल से, क्या बनाना है 2,4,6 ड्राई ब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ड्राई ब्रोमोफिनॉल, तब 2,4,6 ये देखना, ये तो हमने फिनॉल बना लिया, ठीक है, ये बनाया हमने फिनॉल, अभी बोल रहा है 2, ये 2, फिर बोल रहा है 4, ये 4, फिर बोल रहा है 6, ये 6, ट्राइब्रोमो, तो यहां पर भी Br, यहां पर भी Br, यहां पर भी Br, अब जब यहां पे Br लिया हमने, तो Br इधर भी तो लेना पड़ेगा, है ना, तो Br2 ब्रोमीन से क्रिया होगी। अभी बोल रहा है कि जब फिनॉल से हमें 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, यानी कि मावे से हमें बनाना है मिठाई, तो हमें मावा पता है, मिठाई पता है, तो मीठा तो है ही नहीं ना, वो शक्कर तो डालनी पड़ेगी, तो शक्कर हो गया ब्रोमीन,
कितने चाहिए इधर? तीन चाहिए, इधर तो दो ही है, तो तीन का गुणा कर दो, तीन को किया तो छह बन गए। कोई बात नहीं, तीनों जगह से क्या हटा था? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन किससे क्रिया करेगा? ब्रोमीन से। अब इधर कितने ब्रोमीन है? छह। इधर कितने है? तीन। तो यहाँ तीन का गुणा करो तो तीन और तीन छह। कितना हाइड्रोजन हटे यहाँ से? तीन। तो ये हो गए तीन हाइड्रोजन, तीन ब्रोमीन, और इधर ब्रोमीन छह, इधर भी ब्रोमीन तीन और तीन छह। तो ये हो गया बैलेंस। तो हमने फिनोल से सारी चीजें बना ली। तो फिनोल से कैसे प्राप्त करें? तो हमें ये पता होना चाहिए कि किससे क्या बनाना है, ठीक है? अगर ये पता होगा तो आसानी से बना सकते। केमिस्ट्री बच्चों को बहुत कठिन लगती है, मुझे भी लगती थी जब मैं ट्वेल्थ में था। तो मैंने फिर खुद पढ़ के देखा बाद में कि यार केमिस्ट्री इतनी कठिन क्यों है। तो जब जाके पता चला कि गलती बच्चों की नहीं है, किसकी है? टीचर्स की, पढ़ाने वालों की। अगर उसको आसानी से पढ़ाएंगे तो अच्छे समझ में आएगा, और अगर हम उसको टफ करके पढ़ाएंगे तो फिर तो वो समझ में नहीं आएगा। तो ये बहुत आसानी से, मतलब कैसे फिनोल क्या है।